लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है दिल्ली रोड स्थित होटल में। यह बैठक है लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल है, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री और पार्टी नेता शामिल हैं। अरुण चतुर्वेदी, कैबिनेट मंत्री जोरराम कुमावत, सुरेश सिंह रावत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल शामिल हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कल जयपुर आएंगे, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अहम बैठक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये मंथन जारी है। भाजपा का मिशन 25 है, दो बार से ये मिशन फतेह कर रही है बीजेपी, और इस बार भी मिशन 25 जीत कर इसमें कामयाबी हासिल कर हैट्रिक बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से बेहद अहम बैठक है ये, इसमें बीजेपी के तमाम अहम चेहरे राजस्थान से शामिल है। दिल्ली रोड स्थित होटल में इस वक्त ये बैठक चल रही है। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हो रहा है इस बैठक में, साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा बैठक में की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल है बैठक में, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी भाजपा प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री और पार्टी के नेता भी मौजूद हैं इस बैठक में। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है ये बैठक चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बात करें, मिशन 25 के लिहाज से बात करें, या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, क्योंकि चर्चा इस बैठक में की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है बैठक में, कौन से और अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर चर्चा की जा रही है, और क्या है आगे की रणनीति? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बैठक से बीजेपी राजस्थान ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का विधिवत आगाज कर दिया आज से। और आपको ध्यान है कि हर राज्य में लोकसभा कार्य योजना नाम से बैठके हैं। कुछ दिनों पहले संगठन प्रभारी छत्तीसगढ़ के ओम माथुर रायपुर में एक बैठक लेकर आए थे, वो भी इसी से जुड़ी बैठक थी। लोकसभा कार्य अलग अलग राज्यों में इस तरह की बैठकें हो रही है और बीजेपी ने विधिवत तौर पर इसका आगाज कर दिया है, और कहा जा सकता है आज ये पहली बैठक है। अब चरणबद्ध तरीके से आगे अलग अलग बैठकें होंगी। आज राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेता नहीं आए, हो सकता है अगली बैठक में वो भी मौजूद रहे, और भी दिल्ली से कोई बड़े नेता आए। कहा जा सकता है कि तमाम सीटों पर एक एक करके चर्चा की बात है, किस तरह से उन सीटों पर अलग अलग सीटों की कार्य योजना अलग अलग बनेगी। लेकिन सबसे पहला मुद्दा यही है कि जैसा आपने कहा श्वेता कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कार्यक्रम होने हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी और का फेस और राम मंदिर से उपजने वाला राममय वातावरण, तो उसको लेकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अंदर कहा जा सकता है कि अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाने का एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विचार परिवार के साथ जुड़कर वहाँ पर राम मंदिर के बाद जिस तरह का वातावरण बनेगा, तो उसको लोकसभा चुनावों के तक उस वातावरण को पर फोकस करना, और एक कहा जा सकता है कि उस वातावरण के जरिए, राममय वातावरण के जरिए चुनावी वैतरणी को पार लगाना। नरेंद्र मोदी का फेस बड़ा फेस है, जिसके बलबूते पहले भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों को जीता था, और इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पिछली बार आरएलपी से गठबंधन किया था नागौर की सीट पर, इस बार बीजेपी लगता नहीं किसी से गठबंधन करेगी, और क्योंकि सत्ता भी राजस्थान में बीजेपी के पास है, 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की यहाँ योजना बना रही है। कार्य योजना के बारे में सबसे बड़ा खुलासा यही किया जा सकता है कि निचले स्तर तक पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं और बूथ प्रमुख बने हुए हैं, लेकिन तमाम जो कहा जा सकता है कि नव मतदाता तो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेगा, उस नव मतदाता का वोट भारतीय जनता पार्टी के
की तरफ आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, बीजेपी के पक्ष में वो वोटर्स जुड़े, इसके लिए भी एक कार्य योजना पूरी तैयार की जाएगी। तमाम अग्रिम संगठनों को यहाँ पर काम सौंपा जाएगा। ये चुने हुए प्रमुख जो लीडर्स हैं जो इस वक्त मीटिंग में बैठे हैं, ये तमाम नेताओं की अपनी अपनी अलग अलग राय सामने आ रही है और उसके बाद उस राय को सूचीबद्ध करके और फिर भारतीय जनता पार्टी आगामी तौर पर रणनीति बनाने का काम करेगी। ये भी एक बात यहाँ पर बड़े कहा जा सकता बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साध कर नए चेहरों को आगे लाने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं कि अभी जो उम्मीदवार सांसद हैं उन्हें ही आगे चुनाव लड़ाया जाए, कुछ एक सीटें तो वैसे भी खाली हो चुकी है और कुछ जगहों पर नए चेहरों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। और ये भी कहा जा सकता है कि सर्वे के आधार पर विनेबल कैंडिडेट्स को टिकट देने की बात है, उस पर विचार तो काफी कुछ बातें ऐसी भी होती है जो इतनी बड़ी बैठक में शायद नहीं हो पाती और वो बहुत छोटी और लघु बैठक जो होती है उनके अंदर होती है। लेकिन ये जरूर है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए लोकसभा चुनाव की विधिवत तैयारी का आगाज कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बैठक जारी है।